हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनबॉक्स द ब्यूटी में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी सोयाबीन एनर्जी ऑयल के बारे में इन्सफ्री के, और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली सोयाबीन एनर्जी एसेंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको लगाने का एक प्रॉपर वे है लगाने का, कि आपको पहले एसेंस यूज़ करना है, देन ऑयल, देन स्किन एक तरीके से टोनर समझ लीजिए आप उसे, और देन लोशन, क्रीम, आई सीरम, नेक क्रीम वो यूज़ करना था। तो सबसे पहले आपको एसेंस यूज़ करना था, तो मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं आपको एक एसेंस की वीडियो भी बना दूँ कि सोयाबीन एनर्जी एसेंस जो है वो कैसा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगी और इसे किस तरीके से यूज़ करना है वो बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू वेरी मच। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करती हूँ आउटर पैकेजिंग की। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो जो सोयाबीन एनर्जी ऑयल था उसे काफ़ी ज़्यादा रिसेंबल करती है। तो इसके ऊपर भी सेम थिंग लिखी हुई है कि ये जो है फर्मेंटेड जो सोयाबीन एक्सट्रैक्ट होता है वो है इसमें, एंड देन सोयाबीन ऑयल जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका जो सारा मटेरियल है वो जीजू आइलैंड से लिया गया है, और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रेडिएंट एंड हेल्दी ग्लो जो होता है वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अगर मैं इस साइड में बात करूँ तो इसके साइड में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर यहीं पे मैं बात करती हूँ सोयाबीन ऑयल के बारे में, तो वहाँ पे इसका पूरा एक प्रोसीजर दे रखा था कि आपको किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ को यूज़ करना है और इसके यूज़ करने का डायरेक्शन क्या है, तो वो वहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे नहीं दे रखा है। एंड यहाँ पे सब कुछ कोरियन लैंग्वेज में दे रखा है, तो आपको वो समझ में नहीं आने वाला, आपको क्या मुझे भी नहीं समझ में आने वाला है। यहाँ पे बस इसकी क्वांटिटी समझ में आती है कि ये 50 ml का है। यहाँ पे सेम थिंग लिखी है नेचुरल बेनिफिट फ्रॉम जीजू आइलैंड, तो ये जीजू आइलैंड का सारा सामान है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एंड देन यहाँ पे जो है वो इन्सफ्री का लोगो है, और बता रखा है कि इसके अंदर आपको मिलता है सोयाबीन एनर्जी एसेंस एक्स जो है वो। तो अगर हम इसे खोलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी 50 ml की बोतल। तो ये जो है ये है एनर्जी एसेंस की बोतल जो इस तरीके से दिख रही है, तो ये बहुत ही क्यूट है। यहाँ पे आपको इसकी एक्सपायरी डेट दे रखी है जो कि 2019 है। तो ये तो है यहाँ पे इसकी बोतल। अगर वहीं मैं बात करती हूँ एनर्जी एसेंस की, वो सॉरी एनर्जी ऑयल की, तो वो जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। दोनों देखने में एक ही जैसी लगती हैं। देखिए तो ये जो है आपको पहले एसेंस यूज़ करना है एंड देन एनर्जी ऑयल, उसके बाद जो है स्किन वो यूज़ करना है, और बाकी सारा प्रोसीजर जो है अगर आपको पता करना है कि क्या है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगी वहाँ पे तो किस किस तरीके से क्या क्या यूज़ करना है। तो अगर मैं यहाँ एसेंस की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है, आप इसे ऑयल की तरह से भी नहीं कंसिडर कर सकते ना ही सीरम, क्योंकि ये ऑयल से बहुत ज़्यादा लाइट है और सीरम से भी बहुत ज़्यादा लाइट है। वहीं पर अगर टोनर की बात करूँ तो उससे ये थोड़ा सा थिक है। एसेंस जो होता है हर चीज़ का एकदम से निचोड़ जो बोलते हैं वो होता है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, रेडियंस बनाता है, हेल्दी बनाता है, और साथ ही साथ जो ये एंटी एजिंग की तरह से वर्क करता है। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर सोयाबीन का सारा जो एक्सट्रैक्ट है, ऑयल है, वो प्रेजेंट है। सोयाबीन जो होता है वो आपकी स्किन के लिए एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स वगैरह होते हैं या मैच्योरिटी जो होती है वो नहीं आने देता स्किन के ऊपर। अगर आप इसे खोलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है इस तरीके से एक नोजल। तो यहाँ पे आप इस नोजल को हटाते हैं तो ये खुल जाता है। तो यहाँ पे ये नोजल है, आप इसे हटाएंगे तो इसके अंदर आपको ये लिक्विड मिलता है। तो लिक्विड की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही लाइट है, आप देख सकते हैं एकदम पानी की तरह से ये, तो देखिए एकदम पानी की तरह से है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करती हूँ तो ये एकदम पानी की तरह से आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा आसानी से एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, और आप इसे लगाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी आपकी स्किन के अंदर एकदम पानी की तरह से लगता है, और इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी स्मेल मतलब एकदम इरिटेट करेगी, तो सेम थिंग ऑयल जैसी है कि इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है जो आपको थोड़ी सी भी परेशानी दे। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, और अगर आप अपनी स्किन केयर को अच्छा करना चाहते हैं तो एक दो प्रोडक्ट जो इस तरीके के हैं उन्हें ऐड करिए, और आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक अच्छी स्किन केयर सबसे अच्छी बेनिफिट यही होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाती है और आपको मेकअप की जो है बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मिनिमम मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मैं स्किन प्रोडक्ट्स जो होते हैं स्किन केयर के उन्हें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मेरा स्किन केयर जो है वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मेरे को मेकअप की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं यूज़ भी करना प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो स्किन को मतलब
एक तरीके से मैच्योर करते हैं और जो पोर्स वगैरह होते हैं उन्हें क्लॉक करते हैं, तो इसलिए मुझे मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है। सिर्फ लिपस्टिक के अलावा मैं कुछ और लगाना पसंद नहीं करती हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे अच्छा है कि अपनी स्किन को अच्छा करूँ, तो स्किन को अच्छा करने के लिए एक दो प्रोडक्ट मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा अपनी स्किन केयर में जोड़ लेती हूँ। तो ये जो है ये एक पार्ट है मेरे स्किन केयर का। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया देन प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए सब्सक्रिप्शन बटन पर आप क्लिक करिए, वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले उसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। एंड में आप सभी से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय अपना मुझे दिया। सो थैंक यू सो मच।